नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। पहले पाकिस्तान की थालियों से गायब हुआ मुर्गा, फिर गायब हुई सब्जी, अब बच्चों से छिन गया है दूध। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान में आतंकी एक तरफ मुर्गा तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मासूम बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में दूध के दाम इन दिनों सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। खबर के अनुसार कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अचानक दूध के दाम में 23 रुपए लीटर तक का इजाफा कर दिया है। दूध के दाम अब 120 रुपए लीटर तक पहुंच चुके हैं। खुदरा बाजार में दूध 100 से 180 रुपए लीटर तक बिक रहा है। सूत्रों की माने तो कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को लगातार घाटा हो रहा था, इसलिए एसोसिएशन ने सरकार से कई बार दाम बढ़ाने की गुहार लगाई थी। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जनता को बरगलाने वाली इमरान सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से हर दिन जनता बेहाल है। आम जरूरतों के दाम दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रोज पाकिस्तान में किसी न किसी सामान की कीमत दोगुनी होती जा रही है। इसी तरह की खबरों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई पिछले 5 साल के स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने, रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें, पाकिस्तान में महंगाई दर मार्च में 9.41% पहुंच गई, जो नवंबर में 2013 के बाद से सबसे अधिक है। महंगाई को कम करने के लिए पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर को 10.63% कर दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। कुछ कंपनियों ने पाकिस्तान से अपने कारोबार को हटाने का फैसला कर लिया है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान में दूध के बढ़ते हुए दाम का कारण कालाबाजारी है। दरअसल पाकिस्तान के सरकारी रेट में दूध का रेट 94 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन दूध विक्रेता इसे 100 से 180 रुपए लीटर तक बेच रहे हैं। अब पाकिस्तान की निकम्मी सरकार से आशा भी क्या की जा सकती है, जो पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें रचने में व्यस्त रहता है। उसे अपनी जनता के सुख दुख के बारे में सोचने का वक्त कहाँ मिलता है। आपको बता दें, इमरान की हुकूमत में तो किसानों का भी बंटाधार है। सच्चाई तो ये है, पाकिस्तान की सरकार वहाँ के किसानों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं करवा पा रही है, जिसके चलते किसानों को दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब हर मोर्चे पर बेहाल पड़े पाकिस्तान की स्थिति भविष्य में सुधरेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने यह सिद्ध कर दिया कि उसका उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना नहीं, जबकि आतंकियों को सुविधाएं मुहैया कराना है। इससे पाकिस्तान की प्राथमिकता साफ समझी जा सकती है। उसे अपनी आवाम को तकलीफ में देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भारत के खिलाफ साजिशें रचने में इतनी अंधी हो गई कि उसे सही और गलत की सुध नहीं रही। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।